नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल ब्लेसिंग चैनल में। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है आपके लिए। जो दोस्त टीजीटी पीजीटी या नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो आज की वीडियो एक रामबाण की तरह काम करेगी। दूसरी बात, जो दोस्त कलर की तैयारी कर रहे हैं तो आज जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा उनमें से एक दो क्वेश्चन कई बार कलर के एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं। चलो दोस्तों, बात खत्म करते हैं और काम शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है, किस पुस्तक को 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? किस पुस्तक को 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? हमारा आंसर रहेगा पंचतंत्र को। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि निशा निमंत्रण के रचनाकार है, निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? हमारा आंसर रहेगा हरिवंश राय बच्चन जी इसके रचनाकार है। उसके बाद क्वेश्चन आता है, ये अक्सर आ जाता है हिंदी ग्रामर का, ये क्वेश्चन है बार बार आ जाता है, कि प्राचीन का विलोम शब्द है, प्राचीन का विलोम है कौन? अर्वाचीन शब्द। उसके बाद क्वेश्चन आता है, रस मीमांसा रस सिद्धांत से संबंधित पुस्तक है, रस मीमांसा रस सिद्धांत से संबंधित पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो हमारा आंसर रहेगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि तुलसी का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? क्वेश्चन दोबारा देखते हैं, तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? आंसर रहेगा रामग्गा प्रश्नावली। उसके बाद क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन मैं करवा भी चुका हूँ, पीछे भी करवा चुका हूँ, ट्रिक के माध्यम से करवा चुका हूँ, अब ट्रिक से आपको याद भी रह जाएगा। भारत भारती काव्य के रचनाकार है, ये क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूँ फिर भी करवा रहा हूँ दोबारा, कि भारत भारती काव्य के रचनाकार है, तो हमारा आंसर रहेगा मैथिली शरण गुप्त। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन तीन महाकवियों की समीक्षा प्रस्तुत की है? तो हमारा आंसर रहेगा सूरदास, तुलसी और जायसी। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि वीरों का कैसा हो वसंत कविता के रचयिता कौन है? तो हमारा आंसर रहेगा सुभद्रा कुमारी चौहान। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है कि रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? तो मैंने एक ट्रिक के माध्यम से आपको याद भी करवाया था पीछे की वीडियो में कि रामचरितमानस के लेखक कौन है, तुलसीदास जी, और इसमें किस चीज की प्रधानता मिलती है, मतलब कौन से रस की प्रधानता मिलती है, तो इसमें मिलती है भक्ति रस की प्रधानता। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है कि साच बराबर पाप इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो हमारा आंसर रहेगा कबीर। इस रचयिता कौन है, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो कौन है? कबीर जी इस पंक्ति के रचयिता है। और कबीर कब हुए थे? कबीर भक्ति काल के कवि है। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है कि हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे कौन थे? वो थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है कि कामयनी किस प्रकार का ग्रंथ है, दोबारा देख लेते हैं, कामयनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो हमारा आंसर रहेगा महाकाव्य प्रकार का ग्रंथ है। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, यह युग बच्चे के समान हंसता खेलता आया था, दोबारा देख लेते हैं, यह युग बच्चे के समान हंसता खेलता आया था जिसमें बच्चों की सी निश्चलता अखड़पन सरलता और तन्मयता थी, यह कथन किस आलोचक का है? तो यह कथन किस आलोचक का है? तो हमारा आंसर रहेगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचक का है। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है, पल्लव के रचयिता कौन है? सुमित्रानंद पंत पल्लव के रचयिता है। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम बताइए या नाम क्या है? तो हमारा आंसर रहेगा ग्रासा द तासी। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है दोस्तों, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो अच्छा रहेगा। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है, देखन जो पाऊँ तो पठाऊँ जम लोक हाथ तुझो न लगाऊँ वार करो के करको, ये पंक्तियाँ किस कवि द्वारा सृजित है? तो ये जो पंक्तियाँ है ये नाभादास द्वारा लिखी गई है। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है, सुहाग के नपुर की रचयिता कौन है?
सुहाग के नपुर के रचयिता है अमृत लाल नागर जी। ये क्वेश्चन भी मैं पहले करवा चुका हूँ आपके पास। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का कैसा, हाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है, ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है, तो इसको क्रांतिकारी कवि माना जाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन, ये जनरल एक सिंपल सी जीके का क्वेश्चन भी आ जाता है, ये हम कलर्क के एग्जाम में भी देख लेते हैं, एसएससी में भी देख लेते हैं ये एग्जाम, ये क्वेश्चन जो मैं आप करवाऊँगा आपको, ये नेट में भी आ जाता है कि देश में एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। दोबारा देख लेते हैं, देश में एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है, तो हमारा आंसर रहेगा नागालैंड की। उसके बाद ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है दोस्तों, जितने बार भी पेपर एग्जाम हुआ है ये क्वेश्चन आ जाता है कि प्रेम सागर की रचनाकार कौन है, प्रेम सागर की रचनाकार कौन है, तो हमारा आंसर रहेगा लल्लू लाल जी। उसके बाद आता है ये भी एक सिंपल सा एक जनरल क्वेश्चन है कि त्रिपुरा की राजभाषा है कौन सी है, त्रिपुरा की राजभाषा बांग्ला है। उसके बाद एक क्वेश्चन फिर कर लेते हैं कि पवित्रता की माप है मलिनता, पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप, यह कथन स्कंद गुप्त नाटक के किस पात्र का है। क्वेश्चन एक बार फिर कर लेते हैं कि पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप, यह कथन स्कंद गुप्त नाटक के किस पात्र का है, तो हमारा आंसर रहेगा देवसेना। उसके बाद एक क्वेश्चन फिर कर लेते हैं कि झरना काव्य संग्रह की रचयिता कौन है, तो ये क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूँ ट्रिक के माध्यम से करवा चुका हूँ दोस्तों कि झरना काव्य संग्रह की रचयिता है कौन, तो इनके रचयिता थे, झरना के रचयिता है जयशंकर प्रसाद जी। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है कि किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए, किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना। दोबारा देख लेते हैं क्वेश्चन, किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना, तो हमारा आंसर रहेगा जयशंकर प्रसाद जी ने अनिवार्य नहीं माना है रंगमंच को। अच्छा दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, यदि इस वीडियो के माध्यम से अच्छे क्वेश्चन प्राप्त हुए हैं आपकी तैयारी के लिए, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो जो साथ में बेल आइकॉन है उसको भी क्लिक करना न भूलें, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके आपको टाइम से मिलती रहे। अच्छा दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद।